हेलो गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू स्ट्रीम। मैं आज बताने वाला हूँ एक गेम के बारे में, रोड टू वैलोर। आपने देखा भी रहेगा, मैंने लाइव स्ट्रीम किया था। तो मैं बोलने वाला हूँ आज के दिन कि हाउ टू प्ले दिस गेम एफिशिएंटली और क्या क्या आप मिस्टेक कर सकते हो, क्या आपको इम्प्रूव करना चाहिए और सब कुछ, ठीक है। इसके पहले कि आप वीडियो पूरा देखे, आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया रहेगा यार क्यों खेलो यार बाकी गेम्स भी खेलता हूँ, उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि ये अभी का लेटेस्ट मोबाइल गेम है जो कि बहुत हो सकता है, टूर्नामेंट्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। ऑलवेज अडैप्ट, गेट गुड एट अ गेम, क्योंकि मैं तो ग्राइंड कर रहा हूं ऑफ स्ट्रीम, तुम लोग को भी पता है, बहुत लोग मेरे को एक्सपेक्टेड भी करते हैं। सो दूसरा रीजन ये है कि इसका ग्राफिक्स और कैरेक्टर्स इतना बहुत ज्यादा इंसेन है, और स्ट्रेटेजी गेम भी है जो कि मेरे को बहुत पसंद है स्ट्रेटेजी सब करना। मैं उतना अच्छे लेवल पे नहीं खेलता हूँ, लेकिन आई थिंक आई एम स्टिल अबव एवरेज और एवरेज। तो तीसरा रीजन ये है कि ये गेम बिगेस्ट कोलैबोरेशन है क्राफ्टन एक्स एसेट्यूएल, ये अपना ही गेम है तो ऑब्वियसली यार सपोर्ट करना तो बनता है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, ए टू जेड सब एक्सप्लेन करूंगा, और अब मजा आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है, टॉप लेफ्ट में एक क्यूटी का एक इमेज आ रहा रहेगा, बराबर है। तो वो क्यूटी इज माय गार्डियन, बेसिकली मेरा बॉस, मेरा हथियार, मेन पावर, ठीक है। तो जो मेन कैरेक्टर है ये टॉप लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है, वो आपको जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो, चेस्ट ओपन करते हो, आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इतने सारे जो आपको ब्लैक में नहीं दिख रहे, तो बेसिकली जो भी कलर्ड दिख रहे हैं वो सारे मैंने गार्डियंस अनलॉक किए हुए हैं। आगे भी बहुत गार्डियंस मैंने अनलॉक करना है, तो मैं अभी ये गार्डियन के बारे में सबको बताऊंगा, जिसका नाम है अमातेरा सू, समझ रहे हो, फेवरेट गार्डियन मेरा। तो उसके पहले कि मैं जाऊं, आप जैसे कि देख सकते हैं ये सारे मेरे यूनिट्स है, ठीक है, एम्पायर बेस्ड, रोमन एम्पायर हो गया, पर्शियन हो गया, नॉर्मन हो गया, जापान हो गया। तो बेसिकली यूनिट क्या काम करता है और क्या चीज में आपको हेल्प करता है और डिफेंड कैसे करने का, अटैक कैसे करेंगे, इसके बारे में बताता हूँ। जिसको अगर ये वीडियो देख के भी नहीं समझा रहेगा ना, तुमको एक इजी ट्रिक बता देता हूँ। तुमको जो भी कार्ड अच्छा दिखता है या फील होता है या अंदर से आवाज आता है, उस पर क्लिक करो, जैसे कि ये, तो वहां पे ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर लिखा रहेगा लॉन्ग रेंज पियर्स अटैक, तो जो भी शील्ड विल्ड को है उनको पियर्स करेगा, ठीक है। और वो आपको बता भी देगा, जो नीचे अगर आप देखोगे तो झंडे का आइकन आएगा, वो है कि ये जो मैंने अभी क्लिक किया, ठीक है, झंडे का ये है कि जब वो अटैक कर रहा है तो कैसा शूट करता है और कौन से एनिमीज के सामने वो ज्यादा इफेक्टिव है। और ये जो नीचे डिफेंस का है उसका मतलब कौन से अगेंस्ट वीक हो सकता है, जैसा कोई भी अगर स्पॉन करेगा तो उसको घूमने को टाइम लग रहा है और ये इजिली मेरे कैरेक्टर को काउंटर कर देगा, तो बेसिकली ये। तो ऐसा आप हर एक किस पे जाके देख सकते हो, सीख सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाने के, देख के आराम से सीख सकते हो। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 5 या 10 गेम एवरेज लगेंगे पूरा समझने को। ये तो हो गया, अभी मेन इसमें दो चीजें है, एक है एमपी और एक है सीपी। तो एमपी और सीपी क्या है वो मैं बताता हूँ, और कैसा खेलने का गेम वो भी मैं बताता हूँ। ओके गाइस, तो बैटल करते हुए कुछ ऐसा दिखता है, ये सारा एनिमेशंस और ग्राफिक्स है, ठीक है। तो जो आपको नीचे के साइड पे दिख रहा है वो हमारा लेफ्ट और राइट में दो टावर है, और जो सेंटर में है वो बेस है, और सेम ओपोनेंट का भी जो टॉप टू पे दिख रहा है वो टावर्स है और जो सेंटर में वो बेस है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पॉइंट्स इकट्ठा करने का, हर टावर का एक पॉइंट है और बेस का भी एक पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर बेस आपने तोड़ दिया जो बड़ा सा बिल्डिंग है तो आप जीत गए, लेकिन आप क्योंकि ये टाइम लिमिटेड रहता है तो आपको एक टावर भी आपने अटैक करके आपने टावर फोड़ दिया और अपना खुद का टावर बचा लिया सारे, तो भी आप जीत जाओगे। वो जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अब बेसिकली एमपी और सीपी क्या होता है, तो नीचे जो आपको दिख रहा है 12 वो है मेरा एमपी, मतलब माना पॉइंट्स। तो वो हर सेकेंड एक एक करके बढ़ता है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स या कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसा है जो वो आपको फास्ट प्रोग्रेस करते हैं या जल्दी आपको माना गेन करने में हेल्प करते हैं। जो सीपी है वो कैरेक्टर के नीचे जो 5 लिखा है, 5 बार्स, वो है सीपी। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ते रहते हैं, मेरे हिसाब से 5 सेकेंड में एक बार ऐसा कुछ, इतना डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन हाँ, तो वो फंडा है। और उसके ऊपर का जो पावर है उस पे लिखा है 1 पे 2 और 1 पे 3, तो बेसिकली वो पावर यूज करने से नीचे का जो सीपी है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे पास 4 है, तो अगर मैंने ये पावर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो अभी मेरे पास 1 बच जो कि अभी ऑलमोस्ट 2 होने वाला है। तो
इसलिए कम हो गया चार से क्योंकि वो तीन पॉइंट का मैंने पावर एबिलिटी यूज किया। ठीक है, तो मैं अभी बताता हूँ कि काउंटर कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड से तुम लोग काउंटर कर सकते हो। जैसे कि अगर सामने का टीम, अभी मेरा ये डेक है, ठीक है, और सामने का टीम ने फॉर एग्जाम्पल स्पीयर डाल, कोई स्पीयर वाला, तो अभी मेरे पास जैसे कि आप देख सकते हो स्पीयर को काउंटर करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, मेरे पास ये मैजिक है, तो ये मैजिक का अगर मैं बराबर जगह पे डाला तो स्पीयर वाले बहुत जन टूटेंगे, तो ये एक एडवांटेज पॉइंट हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक बात है कि मैंने वो मैजिक यूज करने को 5 पॉइंट यूज किए और सामने वाले ने 4 पॉइंट यूज किए, तो उसको 1 पॉइंट का लीड है, वो ज्यादा अभी अटैकिंग में जा सकता है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, और जो काउंटडाउन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 30 सेकंड से, वो टाइम पीरियड है, उसके बाद बैटल खत्म हो जाता है, या फिर आप जीत सकते हो, हार सकते हो, ड्रॉ भी हो सकता है अगर गेम लंबा चला तो। अभी फॉर एग्जाम्पल सामने किसने घोड़े वाला एजेंट डाला जो डायरेक्ट बिल्डिंग्स पे चढ़ता है, तो उसको काउंटर करने के लिए तुम लोग स्पीयर यूज करते हो। जैसे सामने वो घोड़े का साइन आया बराबर, अभी मैंने स्पीयर डाल दिया, तो जैसे ही वो घोड़ा बिल्डिंग तक पहुंचेगा भी ना, तो मेरा स्पीयर खत्म कर देगा उसको, तो यही सब करके आप काउंटर कर सकते हो। अभी समझो सामने वाले ने शील्ड डाल दिया, ठीक है, तो मेरे पास अभी ज्यादा कुछ काउंटर करने का है नहीं, क्योंकि मैं ये डाल देगा तो मैं हार जाऊंगा, ये डाल दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन इसको 7 पॉइंट लगता है, तो जैसे कि मैंने ये डाल दिया तो ये शील्ड को पियर्स कर सकता है, इसका मैंने आपको बताया भी था, तो ये जैसे डाल देगा वो एक लाइन में शूट करेगा और अपने एनिमीज को मार देगा। ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और मैंने बहुत नेग्लिजिबल डैमेज खाया हुआ है। पुश करने के लिए आप सारा माना प्रॉपर यूज करने का आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एजेंट आगे जाएगा, कौन सा उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे जाएगा, आपका हीरो एबिलिटीज आप कैसे यूज करते हो, गार्डन एबिलिटीज कैसे यूज करते हो, ये सब कॉम्बो फीचर करके ही आप जीत सकते हो। तो अभी मैं एक गेम खेल के दिखाता हूँ और आपको शायद ज्यादा समझेगा कि कैसे खेल सकते हो ये गेम। ओके गाइस, तो अभी एक एनिमी को ढूंढते, पकड़ते, जकड़ते और जीतते, तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्यों, और जैसे जैसे मैं एबिलिटीज यूज करूंगा, कैरेक्टर्स यूज करूंगा, आपको मैं बता भी दूंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा आसानी हो। तो अभी करेंटली आप दोनों का पॉइंट्स देख सकते हैं, दोनों 2900 पे, ठीक है। अभी ये जो मेरा बलिष्ठा है ये मैं लेफ्ट से राइट यूज करूंगा, इसलिए क्योंकि इसका बहुत स्लो रहता है, तो क्योंकि ये स्लो रहता है ना, वो जब से लेफ्ट से राइट आएगा ना, तब तक अच्छा खासा मेरा माना बढ़ जाएगा। तो अभी मैंने दो एबिलिटी यूज किया डिफेंड करने को, यूजुअली एक से डिफेंड करना चाहिए, लेकिन दो किया क्योंकि मेरे को ज्यादा डैमेज नहीं करना था। अभी मैं नॉर्मल कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ होल्ड कर रहा हूँ मेरा माना बढ़ने का, वेट कर। अभी ये मैं आगे भेज सकता हूँ, लेकिन सामने स्पीयर का है तो मैंने इसलिए नहीं डाला, क्योंकि जब स्पीयर रहता ना और आपने हॉर्स भेज दिया तो उसका कुछ फायदा नहीं, तो जैसे ये खत्म हो जाएगा ना उसके बाद मैं हॉर्स भेज सकता हूँ और उसके पास कुछ काउंटर बचा नहीं रहेगा, शायद मैंने एक सेकंड जल्दी भेज दिया, नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरा दो माना का ये एबिलिटी आ गया, अभी मैं ये यूज करूंगा और बाकी मेरा जो भी कैरेक्टर आता है स्पीयर आता है, क्योंकि स्पीयर ज्यादा लोग है ज्यादा डैमेज देते हैं, अब मैं ये यूज करूंगा यहाँ पे जाके टावर को डैमेज देने, क्योंकि मेन फोकस गेम का टावर ही है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये गया, इसके पीछे और सपोर्ट देंगे हम इसे, उसका ऑलमोस्ट खत्म होने आया है टावर। मेन ये है कि मेरे पास सारे हाई स्किल्ड वो है, ये भी डालने का जरूरत नहीं था, लेकिन डैमेज थोड़ा सा कम करने को, क्योंकि आप देख सकते हो मेरा ये दो माना वाला चीज वापस आ चुका है गार्डन वाला। तो अभी मैं जैसे इस पे टैप करूंगा मेरे पास जल्दी जल्दी माना आते रहेगा, ये यूज करते इसको हम लगाते हैं यहाँ पे ताकि आगे जाए, फिर इसके पीछे हम ये डालते हैं। अब हम 8 पॉइंट्स का यूज करके जैसे 8 पॉइंट आएगा इसको हम आगे भेज देंगे, तब तक ये भी टूट जाएगा और वो पीछे फाइट कर लेगा। अब हम इसके पीछे बलिष्ठा डाल देंगे क्योंकि पीछे से अटैक अच्छा करता है, और फिर मेरे आर्चर्स डाल देंगे जो मिथिकल उसको ज़्यादा फाइट करता है। अब मेरा ये एक और आ गया, यहाँ पे हम करेंगे लोड, मेरे को सिर्फ अभी डिफेंड करना है, मेरे को और कुछ नहीं करना है। थोड़े टाइम बाद वो खुद मरेगा, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 सेकंड बचे हुए उसका टावर का HP। अभी मेरा एक जो एबिलिटी है, जो मेरा एक एबिलिटी है वो है ये, तो मैं अगर ये इसके इस पे डाल दिया आप देख सकते हो एक रे आएगा एंड बूम टावर खत्म, समझ रहे।
तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी है, अगर उसको मेरा गार्डियन का नॉलेज नहीं है तो उसको एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। तो जैसे कि मैंने थंडर बोल्ट भी डाला था, वो भी एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, लेकिन मेरे को डालना पड़ा ताकि मैं ज्यादा डैमेज ना दूं, बस और कुछ रीजन नहीं था। वो नहीं भी डालते तो भी शायद मैं गेम जीत ही जाता था। तो जैसे कि मैं जीता ये गेम, ठीक है, मुझे एक चेस्ट मिला, चेस्ट को ओपन करने को कीज लगते हैं, कीज आप देख सकते हो, वो एड्स बिट्स इन गेम जो भी है वो देख के भी आप बढ़ा सकते हो। ये चेस्ट ओपन करेगा तो आपको कुछ ऐसे कार्ड्स ओपन होंगे, ये एनिमेशन में खुलेगा डब्बा एंड ऐसे कार्ड्स ओपन होंगे। सिमिलर कार्ड्स अगर आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा है, जो आपको ये कैरेक्टर दिख रहा है उसके नीचे दिख रहा है 148 आउट ऑफ 100, उसका मतलब मेरे पास इसका 148 कार्ड्स है। तो मैं अगर अपग्रेड करूंगा तो जो राइट में आपको दिख रहा है +3 +3, तो उसका HP मतलब हेल्थ प॑इंट्स वो बढ़ेगा और अटैक डैमेज +3 से दोनों चीज बढ़ेगा। तो आप जो भी आप डेक यूज कर रहे हो, आप डेक बहुत बना भी सकते हो स्ट्रेटजीज के हिसाब से, जैसा 1 पे मेरा ये है, 2 पे ये है, 3 पे भी यही है, क्योंकि मेरे को डेक का नॉलेज खुद ही नहीं था मैं भी गेम खेल के ही सीखा हूं। तो ऐसा आप डेक्स चेंज कर सकते हो, हर डेक में एक गार्डियन डाल सकते हो, उस गार्डियन के हिसाब से जो बेस्ट फिट होता है वो सब कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द गेम। इसके ऊपर अगर आप खेल खेल के अपने दोस्त को हराना भी चाहते हो, राइट साइड पे आपको दिखेगा एक ग्रीन बटन, यहाँ पे आप फ्रेंडली बैटल भी कर सकते हो आप किसी भी फ्रेंड्स के साथ। आप 2v2 बैटल भी कर सकते हो, जहाँ पे आप दो लोग रहेंगे सामने दो लोग रहेंगे, वो भी कर सकते हो। और आप कस्टम बैटल भी कर सकते हो, जहाँ पे बाकी लोग आके खेले, जो भी सेटिंग्स वेटिंग्स होता है आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, कितने लोग खेल सकते हैं, क्या है, कैसा रहेगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। ये फीचर मैंने खुद अभी तक टेस्ट नहीं किया तो मैं इसके बारे में इनडेप्थ नहीं जा सकता, लेकिन फ्रेंडली मैच मैंने खुद के लिए कोड बना के कोड डालने का सिंपल है, 2v2 मैच सेम, मजा तो आएगा। जो भी लोग खेलना चालू कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस आपका नसीब और दिमाग, ये दो चीज चाहिए। नसीब इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप चेस्ट खोलोगे तो थोड़ा बहुत नसीब तो चाहिए यार। हाँ, सारे कार्ड्स अच्छे, लेकिन कुछ कार्ड्स जल्दी अगर अनलॉक हो गए तो स्लाइट एडवांटेज है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पे टू विन है, ये है वो है, अगर आपको कुछ पैसा नहीं भी डालना है लॉन्ग द टाइम, आपके सारे कार्ड्स खुल नहीं है, क्योंकि दिस इज हाउ गेम वर्क्स। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये नॉर्मल चेस्ट था, साइड में एक और चेस्ट है वो भी खुलता है। ऐसा चेस्ट ओपन ओपन कर करके गार्डियंस ओपन हो जाते हैं। तो मेन तो गेम गार्डियन का ही है, बाकी तुम लोग नॉर्मल डेक से भी जीत सकते हो। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है आपको। एक बार शॉप भी दिखा देता हूँ, इन गेम परचेजेस के लिए क्या क्या है। तो ये सब स्पेशल ऑफर्स आते हैं, और आपको कुछ खरीदना है तो ज़्यादा प्राइस ही नहीं है और वर्थ इट भी है, क्योंकि आप मेरा गोल्ड और डायमंड सब देख सकते हो, मैंने खुद पैसा डाला तो ये रहा, ये सारे कार्ड्स जो आपको दिख रहे हैं ये आप गोल्ड कॉइन से खरीद सकते हो, जो गोल्ड कॉइन आपको गेम विन पे मिल जाएगा फ्रीली, ठीक है। और हर दिन डेली डील्स भी आपको एक फ्री चीज़ भी मिलेगा, जैसे यहाँ पे ग्रेट चेस्ट है, तो अगर मैं ओपन करता हूँ तो मुझे वापस इसमें से कार्ड्स मिलेंगे। तो कार्ड्स का टेंशन मत लो, कभी ना कभी सब कुछ खुल जाएगा, सो चिल। तो ये रहे जेम्स के, कितने का क्या जेम्स है और जेम्स किस चीज़ का काम आता है वो मैं बताता हूँ। तो जेम्स का मेन जो काम आता है वो है, अगर आपको खोलना है कुछ एक्स्ट्रा, जैसे आप ग्लोरियस चेस्ट है, अगर आपको ये खोलना है तो जेम्स काम आएंगे। अगर क्राफ्ट इक्विपमेंट में आपको 10 चेस्ट खोलना है तो वहाँ पे जेम्स काम आएंगे। मैं रेकमेंड करूँगा 10 चेस्ट खोलने के साथ हर दिन जो गोल्ड है उससे एक एक चेस्ट खरीदो, चाहे जो आ जाए, ठीक है। ये जो है उसे कहते हैं इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री कैसे काम आता है, ये लास्ट चीज है जो मेरे हिसाब से नहीं मालूम रहेगा इतने जन को कि किसको क्या अब यूज करना, तो मैं भी देख के सिखाओ तो देख लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बैग बना रहेगा, तो ये बैग पे क्लिक करोगे तो ये आपका है आर्मरी, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ये मेरे को अभी नया चीज मिला, तो इसमें लिखा है एनी यूनिट हैज अ 1.8% चांस टू इवेड एनिमी अटैक, ठीक है। तो ये आप अब तक जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है उस पे आप डालो अपग्रेड करने के बाद, जैसा अपग्रेड 1.8% है अभी, मैंने इसको अपग्रेड कर 2% हो गया, 0.2 से बढ़ गया, बढ़तेगा। तो जैसा बढ़ाने के बाद जो भी आपको आपका बेस्ट चीज लगता है उस पे ऐसा डाल दो, इस पे क्लिक करके इक्विप। अभी एक और बात है, जैसे कि ये मेरा आर्मरी है, आपको सब कुछ दिख रहा है क्या, इसमें भी जो टॉप राइट एक क्लोथिंग आइटम के ऊपर जो टॉप राइट इमेज दिख रहा है, अगर वो इमेज कलरफुल है उसका मतलब ये आपके डेक में काम आ रहा है, अगर वो इमेज कलरफुल नहीं है उसका मतलब ये आपके करंट डेक में काम नहीं आ रहा है, तो आपको रिप्लेस करना इज अ बेटर ऑप्शन।
सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द गेम, आई होप यू गाइज लाइक इट। मैं तो ग्राइंड कर रहा हूँ, देख भी लिया 2900 पॉइंट्स। तो देखते हैं यार तुम में से कौन कौन मेरे मैच के अगेंस्ट आता है। अगर गेम को मजा आए तो प्लीज शेयर कर देना, एंड दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।